तो राजनीतिक दलों ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान का समय बढ़ाने की मांग की है। जयपुर स्थित सचिवालय में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्ति के बाद राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, जिसमें प्रचार सामग्री में काम आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने और वोटर आईडी कार्ड में माता के नाम का कॉलम जोड़ने की भी मांग रखी गई है। चलिए इसी बैठक पर यह खास रिपोर्ट देखिएगा। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्ति के बाद अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। बीजेपी चुनाव संपर्क विभाग के प्रदेश प्रमुख नाहर सिंह माहेश्वरी ने प्रचार सामग्री के लिए काम में आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। प्रदेश में अभी प्रचार सामग्री के लिए कोई भी राजनीतिक दल 8 वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है। बीजेपी की तरफ से इन वाहनों की संख्या हर लोकसभा सीट पर एक एक करने की मांग की गई। साथ ही इन वाहनों को लीगली रूप पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की परमिशन भी देने की मांग रखी। बीजेपी ने वोटर आईडी कार्ड में माता का नाम का कॉलम देने की भी मांग रखी। माहेश्वरी ने कहा कि जो मतदाता अपने पिता का नाम नहीं देना चाहता तो उसे यह अधिकार है कि वो अपनी मां का नाम लिखे, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में माता के नाम का कॉलम नहीं है। देखिए, जो विधानसभा चुनाव के दौरान हमने महसूस किया था कि प्रचार सामग्री को भेजने के लिए वाहनों की संख्या कम है, विधानसभा के दौरान भी हमने कहा था तो भारत निर्वाचन आयोग ने उसकी संख्या बढ़ाकर 8 कर दी थी, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 8 कम है, तो हमने आज ये मांग की है कि एक तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र पर एक वाहन हमको कम से कम उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, हम जो चुनाव प्रचार सामग्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं बाय वे ऑफ बिल्टी, उसको जब्त नहीं किया जाए और उसको लीगली जाने दिया जाए। वहीं कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुशील शर्मा ने मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही कांग्रेस ने भी प्रचार सामग्री ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। दो घंटे मतदान का समय बढ़ाने की बात भी हमने रखी है, और जो यातायात के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां चाहिए, जो मटेरियल सप्लाई होता है उसके लिए भी हमने प्रत्येक लोकसभा में एक गाड़ी की परमिशन मांगी जो पहले नहीं थी। कांग्रेस ने इस बात पर संतुष्टि जताई है कि उसकी ओर से दर्ज की गई आपत्तियों को ईसीआई ने स्वीकार करते हुए दोहरे नामों की प्रविष्टियां हटाई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी फर्जी नामों के मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की गई थी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।